स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लास्ट लेक्चर में जो मैंने क्लास ड्रॉप किया था वो आपको याद होगा, चार्जेस के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। आज मैं टॉपिक को आगे लेके चल रहा हूं। दिस इज माय लेक्चर टू, लेक्चर वन इससे पहले वाला और ये लेक्चर टू, ठीक है। इस लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। वो टॉपिक हमने पढ़ाया वो इलेक्ट्रिक चार्ज था, और अब जो पढ़ाने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया जाता है कि एक साइंटिस्ट जिसके नाम पे चार्ज की यूनिट रखी गई है कूलम, कूलम लॉ से शुरुआत होती है। कूलम ने बताया था कि अगर आपके पास सिस्टम में दो चार्जेस हैं, मान लो दो चार्जेस हैं, एक Q1 और Q2, और अभी यह दोनों सेम नेचर के हैं तो एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर। तो मान लो दो चार्जेस सेम नेचर के हैं, आर डिस्टेंस पे रखा गया है, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 Q1 को रिपेल करेगा। Q1 Q2 को इधर रिपेल करेगा, Q2 Q1 को इधर रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। ये Q2 को Q1 रिपेल कर रहा है तो इस फोर्स को लिखेंगे F21, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। पहले वो नंबर लिया जाता है जिस पे लगता है, बाद में वो नंबर लिखा जाता है जो लगाता है। यहां इस फोर्स को लिखाएगा F12, फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं, अगर मान लो ये दोनों चार्जेस एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, चार्जेस तो अभी भी दो हैं बट नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इस केस में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दे विल अट्रैक्ट टू इच अदर। Q2 को Q1 अपनी तरफ करेगा, फोर्स ऑन 2/1, Q1 को Q2 अपनी तरफ करेगा, फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। दे आर रिपल्सिव फोर्स, दे आर अट्रैक्टिव फोर्स, वेरी सिंपल। कूलम ने क्या बताया, ये जो फोर्स चाहे ऑन 1/2 लगे या फोर्स 2/1 लगे, ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं और डायरेक्शन वाइज अपोजिट। देखो अगर Q1 इधर फोर्स फील करेगा तो Q2 इधर फील करेगा, चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो, ये फोर्सेस हमेशा अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, और मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं। जितना Q1 Q2 पे लगाएगा Q2 Q1 पे भी उतना ही लगाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने 11th में ग्रेविटेशन में पढ़ा था मासेस के बीच, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम है तो क्यों ना बेटा हम इसको एक ही सिंबॉलिक फॉर्म में ले लें, मॉड लगा दें, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, जितना मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन 1/2 उतना ही मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन 2/1, तो क्यों ना हम इसे एक एफ मान लें, एरो वेरो हटा दें, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, हो गया, मैग्नीट्यूड की डिस्कशन कर रहा हूं मैं। तो कूलम ने क्या बताया कि ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, एक तो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, जैसे ग्रेविटेशन में होता था प्रोडक्ट ऑफ मास पे, यहां प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे। चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उतना ज्यादा होगा चार्जेस के बीच में, और सेकंड जो है वो जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली, ठीक है, किसके स्क्वायर के इन्वर्सली, डिस्टेंस जितना कम फोर्स उतना ज्यादा, ठीक है। तो जब आप इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करोगे बेटा तो क्या मिलेगा आपको, बहुत सिंपल, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और भी आपको पता है ये बात कि जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमेशा हमें एक कॉन्स्टेंट मिलता है, तो जब यहां पे कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट मिलेगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, वहां 11th में जी आता था, मासेज आते थे, यहां के आया है और चार्ज आया। इस के को हम कहेंगे, दिस के इज ए कॉल्ड कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो स्टैटिक कॉन्स्टेंट। और आपको मैं बताऊं इस के की वैल्यू होती है बेटा 9×10⁻⁹, कॉन्स्टेंट की वैल्यू। यूनिट की भी बात कर लें, अगर आपको के की यूनिट पता करनी है सिंपल फॉर्मूले से निकाल दो, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, के को अलग करने के लिए आर स्क्वायर यहां जाएगा तो आर स्क्वायर की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, के अकेला होगा तो चार्जेस भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो दो कूलम मिलकर कूलम स्क्वायर, बस हो गया। यूनिट तो ऐसे लिखा जाता है ना, के की यूनिट लिखनी है ना तो के को अलग कर दो, इसको इधर शिफ्ट करो, इन दोनों को इधर शिफ्ट करो, सबकी यूनिट लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो k कांस्टेंट की वैल्यू और कांस्टेंट की यूनिट, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस एंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कांस्टेंट
मीडियम के हिसाब से चेंज होता है। 11th क्लास में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था वो याद करो, वो मीडियम के हिसाब से चेंज नहीं होता था, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कांस्टेंट है फोर्स में, वो मीडियम टू मीडियम बदलता है बेटा, वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता है। तो कहा जाता है ये जो कांस्टेंट लिखा गया है, इस कांस्टेंट की वैल्यू कहां के लिए लिखा गया है? वैक्यूम के लिए। लोग वैक्यूम कहते हैं या बहुत सारे बुक में फ्री स्पेस भी कहते हैं। तो हर मीडियम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू बदलती है। क्यों बदलती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। ये कांस्टेंट एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक फैक्टर है इस कांस्टेंट के पास, उस फैक्टर के हिसाब से इस कांस्टेंट की वैल्यू बदलती है। उस फैक्टर को हम एप्सिलॉन कहते हैं, नोट्स में लिखा मिलेगा, एप्स पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इसे अल्फा पढ़ते हैं, इसे थीटा पढ़ते हैं, तो उसी तरह इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, वो तो हो गया सिंबॉलिक नेम, और इसका साइंटिफिक नेम है परमिटिविटी, परमिटिविटी। और ये कांस्टेंट का भी फॉर्मूला है जो डिपेंड करता है 1/4πε। देखो तो मीडियम टू मीडियम परमिटिविटी बदलती है, हर मीडियम की अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो परमिटिविटी होती है, हर मीडियम की अलग अलग होती है, एयर के लिए कुछ और, वाटर के लिए कुछ और। तो जब ये बदलेगा तो कांस्टेंट इस फॉर्मूले से बना है, तो ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, और इस फैक्टर को परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी। फिर से सुनो, ये कांस्टेंट जो फोर्स में आ रहा है ये फिक्स नहीं होता, इसकी वैल्यू ये जो बताई गई है वो सिर्फ वैक्यूम के लिए बताई गई है, लेकिन मीडियम टू मीडियम इस कांस्टेंट की वैल्यू बदलती है, क्योंकि ये कांस्टेंट एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो कांस्टेंट का भी फॉर्मूला है 4π, और इस फैक्टर को जिस नाम से बुलाते हैं उसे एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन इज अ सिंबॉलिक नेम, और इसका साइंटिफिक नेम है परमिटिविटी। तो व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या बोलोगे सामने वाले को कि सर परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम जिसका सिंबॉलिक नेम एप्सिलॉन है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मीडियम, एंड व्हेन इट विल चेंज देन कांस्टेंट विल आल्सो चेंज, बिकॉज़ कांस्टेंट इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। और अगर मैं इसकी यूनिट भी बता सकता हूं आपको 2 मिनट के अंदर, देखो यूनिट कैसे बताऊंगा। इसकी यूनिट पता करनी है तो 4π को इधर उल्टा, किसी की यूनिट पता करनी होती है ना बेटा, तो क्या करते हैं उसको अलग कर देते हैं। तो इसको जब अलग करोगे तो के नीचे आ जाएगा, तो 4 की यूनिट होती नहीं है, पाई की यूनिट होती नहीं है, तो के की जो यूनिट है उसको उल्टा कर दो, उल्टी ही यूनिट आएगी ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे बताना फिर से, इसकी यूनिट पता करनी है ना, 4 की होती नहीं है, पाई की उल्टी, तो इसका उल्टा हो गया बस, हो गया। तो फिर से बताना, फोर्स का फॉर्मूला ये, फोर्स के फॉर्मूले में एक कांस्टेंट, जो कांस्टेंट यूनिवर्सल फिक्स नहीं होता, मीडियम टू मीडियम वैल्यू बदलती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ वैक्यूम के लिए फिक्स कर दी गई है, और हर मीडियम के लिए क्यों बदलती है, क्योंकि ये कांस्टेंट एक फॉर्मूले से बना है, उस फॉर्मूले के अंदर एक फैक्टर आता है जिस फैक्टर को परमिटिविटी कहते हैं, और इसका सिंबल सिंबॉलिक नेम एप्सिलॉन है, और साइंटिफिक नेम परमिटिविटी है, परमिटिविटी। हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। लेकिन अब आपको मैं बताऊं, अगर मैं बात करूं फिर से किसकी, वैक्यूम की, तो वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू है 8.85 × 10^-12। मैंने क्या कहा कि हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होगी, लेकिन इतने सारे मीडियम है, एयर, वाटर, ये वो, करोड़ों मीडियम है, तो हम करोड़ों का थोड़ी याद रख सकते हैं, हमें सिर्फ वैक्यूम का याद रखना है, वैक्यूम का कांस्टेंट और वैक्यूम का परमिटिविटी। तो अब वैक्यूम का कांस्टेंट कैसे निकलेगा, के इसका टू क्या फॉर्मूला मैंने बताया, 1/4πε0, इसके नीचे नॉट लग जाए ना, वैक्यूम की अलग पहचान है नॉट, जिसके नीचे नॉट लगा दो ना, समझ आना वो वैक्यूम के लिए है। तो जब वैक्यूम की परमिटिविटी फिक्स हो गई है तो कांस्टेंट भी निकाल दो वैक्यूम का, रखोगे सॉल्व करके तो वही आ जाएगा जो मैंने अभी पहले बताया था, 9 × 10^9। तो बताना, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स है निकालने का फॉर्मूला ये है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, ये कांस्टेंट मीडियम टू मीडियम बदलता है, क्योंकि हर मीडियम का अपना एक फैक्टर होता है जिसे परमिटिविटी कहते हैं, सिंबॉलिक नेम एप्सिलॉन है। तो जब ये बदलेगा तो कांस्टेंट इसी फॉर्मूले से बना है, ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, और ये बदलेगा तो फोर्सेस भी मीडियम के हिसाब से बदलेंगे। हमें सिर्फ याद रखना है, चाहे परमिटिविटी चाहे कांस्टेंट, सिर्फ वैक्यूम का, बाकी सारे मीडियम का देगा, न्यूमेरिकल में देगा हमें वैक्यूम की परमिटिविटी की वैल्यू, और वैक्यूम में जो कांस्टेंट लिया जाएगा उसकी वैल्यू याद रखना है।
तो याद रखना ये कांस्टेंट बदलता है, क्योंकि कांस्टेंट जिस फॉर्मूले से बना है उस फॉर्मूले में एक फैक्टर है जिसे परमिटिविटी कहते हैं, जो कि हर मीडियम का अपना अलग अलग होता है। जैसे लिक्विड के अंदर हर लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है ना, उसी तरह यहाँ हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है। तो जब ये बदलेगा तो कॉन्स्टेंट बदलेगा, और कॉन्स्टेंट बदलेगा तो फोर्सेज भी मीडियम के हिसाब से बदलते जाएंगे। सिर्फ हमें किसका याद रखना है, चाहे परमिटिविटी हो चाहे कांस्टेंट हो, किसका, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम का, फ्री स्पेस का, और जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, वो दे देगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं, सबके नोट्स में भेज दूंगा। और जो मैंने अभी आपको बताया, जो परमिटिविटी की वैल्यू है और कांस्टेंट की, किसके लिए, वैक्यूम के लिए, वो याद रखना। अब बच्चे एफ के नीचे नॉट लगा दिया तो समझ में आ गया ना, एफ के नीचे नॉट लगाने का क्या मतलब है। अगर मैं एफ के नीचे नॉट लगा रहा हूं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन किसके लिए, वैक्यूम के लिए। तो क्या फॉर्मूला लिखोगे, डिटेल में खोलकर के को खोल दो पहले, 1/4πε0, ये पूरा के हो गया, और Q1, Q2 by कितना, R square। अब मैं F, सिर्फ F लिख देता हूं, या F के नीचे M लगा दूं, मर्जी है, या F लिख दूं, कुछ भी है, तो इसका मतलब अभी मीडियम के लिए, कोई ना कोई मीडियम के लिए है। चलो तो 1/ कॉन्स्टेंट क्या होगा, K 1/4πε0, अब नॉट थोड़ी आएगा, अब वैक्यूम में नॉट आएगा ना, अब तो एप्सिलॉन आएगा जो मीडियम की परमिटिविटी होगी, और ये Q1 Q2 by R square है। तो फोर्स दो चार्जेस के बीच, ये वैक्यूम में और ये किसी मीडियम में। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, एफ नॉट बाई एफ, यानी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम एंड फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस इन, सॉरी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन टू सेम चार्जेस इन मीडियम, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल होकर सब कुछ कट जाएगा, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो सब कुछ कट जाएगा, ये आ जाएगा, और इस रेशियो को एक नया नाम दिया गया, एप्सिलॉन आर। This epsilon R is called relative permittivity. This epsilon R is called relative permittivity. Yes, याद रखना। तो हर मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है, और अगर उस परमिटिविटी को अगर हम वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दें तो वो रिलेटिव परमिटिविटी बन जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे मीडियम की एब्सोल्यूट, मीडियम की अपनी परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी, और मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम से डिवाइड कर दो तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी बन जाता है। जैसे आप याद करो किसी भी चीज की रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते थे, याद करो कैसे निकालते थे, उस सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देते थे। उसी तरह किसी मीडियम की अपनी परमिटिविटी है पता, तो अगर हम वैक्यूम से डिवाइड कर दें तो उसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी भी बन जाती है। फोर्स के थ्रू आना है तो फोर्स में ऊपर वैक्यूम नीचे मीडियम, परमिटिविटी में ऊपर मीडियम रखना है नीचे वैक्यूम रखना है, तो ये बना देगा एक नया टर्म रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये सेम चीज का रेशियो है। फोर्स में देखना है तो ऊपर वैक्यूम नीचे मीडियम के रेशियो से, और परमिटिविटी में देखना है तो ऊपर मीडियम नीचे वैक्यूम, याद रखना यह भी एक टर्म है, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। हर मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करो बन जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्स के थ्रू देखना है तो वैक्यूम की फोर्स अपॉन मीडियम का फोर्स गिव्स द रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब आपसे मैं एक पॉइंट क्लियर करूं, और एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं बोल रहा हूं दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्जेस, उनके बीच फोर्स निकालना है वैक्यूम में, क्या करोगे, 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। ठीक है, देखो क्वेश्चन, तो कैसे निकालेंगे फोर्स मीडियम में, अभी आपको मैंने क्या बताया, F नॉट by F इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, तो F बराबर F नॉट, क्वेश्चन जब आएगा कि किसी मीडियम में फोर्स निकालो, मीडियम में दे देगा, मीडियम में निकालो और उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी दे देगा, तो पहले क्या करना, वैक्यूम का निकाल देना, क्योंकि आपको ये पता होता है कितना, इसकी वैल्यू तो पता है ना आपको, पता है ना मैंने अभी पूरी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻¹, और उसके बाद निकाल देना। फिर क्या करना, मीडियम में फोर्स निकालना है तो यहां से
वैक्यूम का फोर्स अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी तुरंत आ जाएगा। तो कभी भी मीडियम में फोर्स पूछेगा ना, कभी भी मीडियम में फोर्स निकालिए तो ये वैल्यू देगा, मीडियम की अपनी परमिटिविटी नहीं देता है, अपनी परमिटिविटी बहुत लंबा सवाल चला जाएगा। अगर अपनी परमिटिविटी से निकालोगे तो कैसे निकालना पड़ेगा बताओ, 1/4πε(Q1Q2)R²। अब बताओ इसको तो हम 9×10⁻⁹ नहीं लिख सकते, वैक्यूम थोड़ी है, तो इसको अलग सॉल्व, इसको अलग सॉल्व, इसको अलग सॉल्व, इट विल टेक टू मच टाइम। तो क्या देगा, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी देगा मीडियम में फोर्स निकालने के लिए। तो बड़ा सिंपल, पहले वैक्यूम में सब वैल्यू पता होता है फिक्स निकाल देना, और फिर वैक्यूम वाले फोर्स को मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देना। नहीं तो अगर मीडियम की अपनी परमिटिविटी से जाओगे बेटा तो इसकी वैल्यू अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी थोड़ी वैल्यू होती है 9×10⁻⁹, ये तो वैक्यूम की होती है। तो जब भी देगा तो मीडियम में अगर फोर्स निकालने को बोलेगा तो रिलेटिव परमिटिविटी देगा, उसकी अपनी परमिटिविटी से कोई फायदा नहीं। बहुत लंबा सवाल होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि जो फोर्स है जो एक दूसरे पे लगाते हैं, चाहे वो साइंस में कैसा भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो फोर्स वेक्टर, डायरेक्शन है ना, तो वेक्टर ही तो है फोर्स। तो अब हर वेक्टर का एक वेक्टर फॉर्म होता है, वो 11th में भी शायद पढ़ाया था मैंने ग्रेविटेशन में, फोर्स का वेक्टर फॉर्म अब आएगा, वेक्टर फॉर्म बनाइए। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या है, सिंपल कांस्टेंट को लिया जाए K Q1 Q2 R², कहीं कांस्टेंट को मैं खोल भी दे रहा हूं 1/4πε में, कहीं ऐसे ही चल रहा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वगैरह में खोल देता हूं मैं। तो K Q1 Q2 R², अब इसका वेक्टर फॉर्म, फोर्स वेक्टर है तभी तो फोर्स की डायरेक्शन है, ये फोर्स उधर गया, ये इधर गया, डायरेक्शन है ना। तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म बनाना है तो देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान रखना। अब आप उसको वेक्टर फॉर्म का है तो वेक्टर सभी को पता, पूरी दुनिया जानती है फोर्स वेक्टर है, बट वेक्टर फॉर्म बनाना है तो आप क्या करो, इस फोर्स के फॉर्मूले में ढूंढो कौन वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है नहीं, चार्ज पे स्केलर होता है, प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ाया था चार्ज स्केलर है, आर वेक्टर है, क्यों, आर क्या है, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट में आता है ना, स्ट्रेट डिस्टेंस इज वेक्टर बिकॉज इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मिला आपको वेक्टर पूरे में, ये मिला। तो अब वेक्टर फॉर्म बनाना है तो करना क्या है, वेक्टर फॉर्म बनाने का मतलब ऊपर एरो पुट करना है। तो एरो पुट करने के लिए क्या करोगे, के लिखोगे, Q1 लिखोगे, Q2 लिखोगे, R² लिखोगे, और जो वेक्टर है ना, ये है ना वेक्टर, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, कैप यूनिट वेक्टर, क्यों, क्योंकि ताकि इसके आने से मैग्नीट्यूड पे फर्क ना पड़े, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो वेक्टर फॉर्म अपने आप ही बन जाता, उसी क्वांटिटी में जो वेक्टर है उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि एरो इधर वेक्टर, आपको पता है ना, किसी के मैग्नीट्यूड से एक वेक्टर आके लग जाए तो वो वेक्टर बन जाता है, बट वो वेक्टर इस तरह होना चाहिए ताकि मैग्नीट्यूड पे फर्क ना पड़े, तो वो यूनिट ही वेक्टर होना चाहिए, और यूनिट वेक्टर कहीं अमेरिका से नहीं आएगा, यूनिट वेक्टर इसी फॉर्मूले में से होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आगे, हो गया K Q1 Q2 R², और यूनिट वेक्टर को खोल दो, फॉर्मूला 11th में याद है कैसे लिखते हैं, इसका यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं उसका वेक्टर फॉर्म और अपॉन देयर मैग्नीट्यूड, बस हो गया। फोर्स इज इक्वल टू, इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा फ्यूचर में, वेक्टर फॉर्म पे भी कराऊंगा, K Q1 Q2 R² × R मिलके क्या हो गया, R³, और ये R का वेक्टर फॉर्म। तो ये हो गया पूरी तरह से उसी फोर्स का ये मैग्नीट्यूड और ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आपको मैं कुछ ग्राफ डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। नेक्स्ट क्लास में याद रखना, पढ़ लेना सबको, नोट्स में भेज रहा हूं अभी, मैं अगली क्लास में इस पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहला ग्राफ अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, बताइएगा कि फोर्स और आर के बीच ग्राफ कैसा होगा, फोर्स और डिस्टेंस के बीच, बोलोगे सर ये क्या सवाल है, इनवर्सली है ना सर, तो इसे बना दो और क्या, बिल्कुल सही, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सही, आपने भी सही समझा है, राइट। फिर मैं अगर बोलू फोर्स और 1/R² के बीच ग्राफ बनाओ, पेपर में आता है आर नहीं 1/R², यानी 1 आर के साथ नहीं देखना, पूरे 1/R², तो अगर फोर्स को R के साथ देखोगे, सिर्फ R के साथ तो इन्वर्सली है, लेकिन 1/R² के साथ देखोगे, अगर देखो आप यहीं पे देखो ना, अगर फोर्स को ऐसे लेना है ना, यही है ना रिलेशन, तो R के साथ तो ठीक है इन्वर्सली है,
बट पूरे 1/r² के साथ तो डायरेक्टली है ना, तो पूरे 1/r² के साथ ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये फोर्स के ग्राफ आर के साथ है बेटा, सिर्फ आर के साथ इन्वर्सली और 1/r² के साथ डायरेक्टली। फिर एक बार बोर्ड एग्जाम में सवाल आया, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ग्राफ पे। एक चार्ज है 5 μC 3 μC, दो चार्जेस हो गए, इनके बीच जो फोर्स है वो F1 है, मान लो F1, दो चार्जेस है ना, कोई फोर्स F1, तो बताना जरा ये दोनों चार्जेस सेम है। माइक्रो का मतलब होता है 10^-6, माइक्रो तो वेरी स्मॉल चार्ज ना, माइक्रो। और ये फोर्स का नेचर क्या होगा, ये तो आप समझदार हो, क्या होगा, रिपल्सिव, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों ने प्लस प्लस लिया गया, राइट। अब मैं इसका पेयर बना रहा हूं 5 coulomb - 6 μC, देखो पेयर तो है बट एक प्लस में और एक माइनस में आ गया, तो फोर्स अब जो मान लो इनके बीच F2 लगा, एज्यूम कर लो, होगा क्या बेटा, वो होगा क्या, अट्रैक्टिव। क्यों अट्रैक्टिव होगा, वजह बताओ क्यों होगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। अब पेपर में आया कि इन दोनों फोर्स का ना 1/r² के साथ ग्राफ बनाओ, आर स्क्वायर के साथ नहीं, 1/r² के साथ, बार बार मैं बोल रहा हूं फोर्स का, दोनों फोर्स का। तो 1/r² के साथ कैसा शेप लेकर जाएगा, डायरेक्टली अभी आपको सिखाया, तो डायरेक्टली में एक ऐसे एक ऐसे। अब बोलोगे सर आपने फोर्स वाई एक्सिस पे लिया है, ठीक है, लेकिन एक फोर्स को आपने प्लस वाई में दिखा है, एक फोर्स को हमने माइनस वाई में लिया है, क्यों, अरे बिल्कुल नेचर अपोजिट है भैया, एक अट्रैक्टिव है एक रिपल्सिव है, तो जब नेचर अपोजिट है तो ग्राफ में साइन भी तो उल्टा दिखाना पड़ेगा, एक को प्लस में तो एक को माइनस में, किसी को आप F2 को ऊपर दिखा सकते हो, F1 को नीचे दिखा सकते हो। ग्राफ किसके साथ था, आर के साथ था ना, 1/r² के साथ था, किसके साथ, 1/r² के साथ, तो कैसा शेप होता है, स्ट्रेट लाइन, अभी समझाया था मैंने, तो ये पूरे 1/r² के साथ स्ट्रेट है, डायरेक्टली है, तो यहां भी डायरेक्टली होगा, लेकिन एक प्लस में वाई में दिखाना, क्योंकि फोर्स वाई में दिखा है, तो एक पॉजिटिव साइन में होगा, तो एक नेगेटिव साइन में, क्योंकि नेचर अपोजिट है। हाँ, अगर इसका भी नेचर दोनों का सेम होता तो एक ही क्वाड्रेंट में दिखाते, चाहे इधर दिखाते चाहे इधर दिखाते, दोनों फोर्स एक ही साइन में होता, तो जब वहां नेचर बदलेगा तो ग्राफ में साइन भी बदलेगा, याद रखना, क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक है। चलो अब बच्चे फोर्स में एक टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये क्या है, बस फोर्स खत्म होने पे है, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लूंगा मैं, सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा फोर्स के ऊपर, प्लीज जितना भी लेक्चर है उसे अच्छे से देखना और नोट्स को अच्छे से पढ़ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, जैसे मान लो एक सिस्टम में चार्ज है क्यू नॉट, कोई चार्ज और आसपास भी कई सारे चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, देयर आर सो मेनी चार्जेस, इन सिस्टम में कितने चार्जेस हो गए, गिनना 1, 2, 3, 4। मैंने बोला भाई इस पे फोर्स कितने लगाए, कितना फोर्स लगेगा, तो बोलोगे सर कौन कौन लगाएगा, इस पे पूछ रहे हो ना, तो ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, और सब सेम नेचर के हैं, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी करेगा। चलो ये एक फोर्स लगा, ये एक फोर्स लगा, ये एक फोर्स लगा, ये हो गया फोर्स ऑन नॉट बाय 1 F0 1, है ना, हम किस पे देख रहे हैं, क्यू नॉट पे ना, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय Q1, ये हो गया फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय Q2, ये हो गया फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय Q3। चलो हमें किस पे फोर्स देखना था, इसके ऊपर, इसके ऊपर कितने, किसने किसने लगाया, इसने 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 इसको उधर रिपेल कर दिया, इसने इधर रिपेल कर दिया, इसने इधर रिपेल कर दिया। अब मैं बोलूं इस पे नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए क्या करोगे, बोलो जो जो फोर्स लगाया है सबको ऐड करोगे, फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय Q1 प्लस फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय Q2 प्लस फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय Q3। लेकिन 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 फोर्स वेक्टर है, ऐसे थोड़ी ऐड कर देंगे, उठाया और ऐड कर दिया, घर वाली बात ना, इसको रूल से ऐड करना है, रूल वही वेक्टर वाला 11th वाला, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सुनो, इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इफ वी हैव टू फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी सिंगल चार्ज, देन वी विल टेक वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस बाय ईच इंडिविजुअल चार्ज।
मान लो Q1 पे पूछता इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस पे भी ये लगाता, इस पे फिर ये लगाता, इस पे फिर ये लगाता, तो तीनों फोर्स को जोड़ देते। लेकिन जोड़ना ऐसे नहीं है, वेक्टर है, रूल से जोड़ना है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है कि द नेट फोर्स ऑन एनी सिंगल चार्ज ऑफ अ सिस्टम विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस बाय ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। वेक्टर सम आपको थोड़ा सा मैं 11th का रिवीजन करा दूं, मुझे पता है आपको याद होगा, फिर भी मैं करा दूं। क्या है वेक्टर रूल कि मान लो अगर दोनों फोर्सेज एक तरफ आए, दोनों फोर्स एक तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं बेटा, याद कीजिए, सीधे प्लस कर देते हैं। दो फोर्स को देख रहा हूं एग्जांपल, ठीक है ना, अभी दो फोर्स पे देख रहा हूं। अगर किसी भी सिस्टम में एक चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, किसी भी चार्ज पे, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सीधे माइनस कर देते हैं। यही था ना वेक्टर रूल, वेक्टर ही तो है, अपोजिट आने वाले वेक्टर का नेट माइनस में निकलता है। फिर याद करो, अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स पर उसी चार्ज पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं बच्चे, याद करो, अंडर रूट करके फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस क्या, सेकेंड फोर्स का स्क्वायर। यही तो है वेक्टर रूल, 11th याद तो करो। या अगर ऐसा है कि एक फोर्स किसी चार्ज पे इधर लग रहा है, एक फोर्स किसी चार्ज पे इधर लग रहा है, लेकिन अब वो एंगल पे लग रहा है बेटा, एंगल पे लग रहा है, तो याद है आपको नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, एंगल वाला याद है, अंडर रूट फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर सेकेंड फोर्स का स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। तो यही तो है, आखिर है क्या वेक्टर रूल, यही वेक्टर रूल है कि अगर किसी भी चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं एक तरफ तो प्लस कर दो, दोनों फोर्स अपोजिट लग रहे हैं माइनस कर दो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है अंडर रूट स्क्वायर कर दो, एंगल पे लग रहे हैं तो वही पैरेललोग्राम लगा दो। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि हमें फोर्सेस को ऐड करना है तो ऐसे वैसे नहीं, रूल से ऐड करना है, अगर किसी भी एक चार्ज पे कई सारे फोर्स लगते हैं तो। ठीक है, ये वेक्टर सब नोट्स में है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है जरा सुनिएगा। कॉन्सेप्ट यह है कि मान लो अगर दो चार्जेस हैं आपके पास, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, ध्यान से समझना। दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। अभी दो चार्जेस अलग अलग है, अलग अलग। अब हमने क्या किया, नाउ इफ बोथ टच ईच अदर, अब अगर दोनों को टच करा दे, टच करा दिया, एंड देन गेट्स सेपरेटेड। सुनना ध्यान से बेटा, अब हमने क्या किया, दोनों को टच कराया और टच करा के अलग कर दिया, तो अब पता है चार्जेस दोनों पे क्या रहेंगे, दोनों पे बराबर आ जाएंगे। कितना बराबर आ जाएंगे बताऊं, दोनों को जोड़कर आधा आधा, हाफ इसके पास भी और इसके पास भी। मतलब अगर ये 5 कूलम है, ये 3 कूलम है, अलग अलग टच कराया, अलग हो कर दिया, तो आप चार्ज इक्वली हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन कैसे होगा कि दे विल बी इक्वल, यानी 5 और 3, 5 + 3/2, 8/2, 4 कूलम इधर भी, 4 कूलम इधर। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो काम आएगा। तो मुझे लगता है कि जो मैंने टॉपिक आज आपको पढ़ाया, फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, वो सारा फोर्स, सॉरी वो इलेक्ट्रिक चार्ज पे था, और सेकंड लेक्चर में आज जो मैंने डिस्कस किया वो सारा इलेक्ट्रिक फोर्स पे था। अभी मैं नोट्स आपको 2 मिनट में सेंड करूंगा, मैं देख लूं को टॉपिक छूटा तो नहीं है। सारा टॉपिक मैंने करा दिया, फोर्स से रिलेटेड सारा टॉपिक करा दिया। तो ये दोनों लेक्चर आज के लिए काफी हैं। आप प्लीज जितना भी मैंने पढ़ाया है बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है उसे एक बार वीडियो देखना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार देखना। नहीं समझ में आए तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे कर देना कि सर ये वाला टॉपिक रिपीट कर दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। जब तक लॉकडाउन चल रहा है हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको, मैं चाहता हूं आपकी क्लासेस वेस्ट ना हो, और प्लीज आप भी कोऑपरेट करो। जितना मैंने पढ़ाया उतना तक सारे नोट्स आपको मैं भेज रहा हूं, आप लिखो और वीडियो देखकर समझो। मैंने जूम ऐप पे जो क्लास शुरू की थी, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा था, आप भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, नेटवर्क भी आ रहा था जा रहा था, तो मुझे लगता है वीडियो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से मैंने डिस्कस कर दिया है। प्लीज आप इसे पढ़ें और नेक्स्ट क्लास में
जब होगी वीडियो तो मैं आपको लेक्चर 3 में, अब अगले लेक्चर में जितना मैंने फोर्स पे पढ़ाया है ना, क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। जरा ध्यान रखना, परमिटिविटी का ध्यान रखना। हर मीडियम की अपनी अपनी एक परमिटिविटी होती है जो मीडियम के हिसाब से बदलती है, और कॉन्स्टेंट जो आता है वो उसी परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो जब परमिटिविटी बदलेगी तो कॉन्स्टेंट भी बदलता है, तो फोर्स भी मीडियम टू मीडियम चेंज होते रहते हैं। सबकी परमिटिविटी और सबका कॉन्स्टेंट याद नहीं रख सकते, हम सिर्फ वैक्यूम का ही याद रखते हैं। सब पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।